महंगाई की उड़ान, शहरी ओलिया की आवाम परेशान। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से जरूरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। 800 की दिहाड़ी में 300 का पेट्रोल लग जाता है। कम पैसों में घर का राशन पूरा नहीं हो रहा। कहां जाएं और क्या खाएं? जो बेचारा अपना रोटी उसको पूरा करना ही मुश्किल हो गया, जो एक टाइम खाना नहीं खा सकता, उस महंगाई इतनी कर चुके हैं कि जो वो राशन घर का लेता था 1000 रुपये का, आज वो 5000 रुपये के बंदे लोग फाकों पे मजबूर हो गए हैं। इतनी महंगाई में कैसे जिया जाए, खुदा इनको ही। महंगाई का तूफान, आए रोज अशिया की कीमतों में इजाफे से आवाम परेशान। बहावलपुर के शहरियों ने गैस की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने आवाम के मुंह से आखिरी नवाला भी छीन लिया। रिक्शा ड्राइवर्स की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, बच्चों के लिए जो कमाते हैं वो पेट्रोल और गैस में अदा करके चले जाते हैं। महंगाई की ब्रेक फेल, मोटरसाइकिलों के बाद साइकिल भी आम आदमी की पहुंच से दूर। बहावल नगर में छोटी साइकिलों की बड़ी कीमतों ने शहरियों को परेशानी में डाल दिया। बच्चों को साइकिल लेकर देने का शौक भी महंगाई की नजर। शहरी दिल बर्दाश्ता होकर दुकानों से वापस लौटने पर मजबूर। हुकूमत ने ईद उल अजहा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने ईद पर 5 तातीलात की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 से 12 जुलाई तक छुट्टियां दी जाएंगी। ईद उल अजहा की आमद, गिरां फरोशों ने महंगाई से सताए आवाम को लूटने का प्लान तैयार कर लिया। सब्जी और मसालाजात सरकारी नर्ख से जायद कीमतों पर फरोख्त होने लगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, एयर कंडीशन ऑफिसेज तक महदूद। शहरी अजियत में मुब्तला, हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालिबा। सुल्तान फातिमा जिनाह कलोनी में मवेशी मंडी सज गई। राजनपुरी बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज। बड़े दामों में खरीदार परेशान। उधरलैया में आरजी मवेशी मंडी भी कायम। लाइव स्टॉक म्युनिसिपल कमेटी के कैंप लग गए। शुजाबाद में आरजी मंडी मवेशी सज गई। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से शिकायत। सेल कायम, असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर ने मंडी मवेशियां का मुआयना और इंतजामात का खूब जायजा लिया। महंगाई ने जानवरों की खुराक भी महंगी कर दी। मुल्तान में चारा फरोख्त करने वाले दुकानदार और शहरी दोनों परेशान। गर्मी के बाइस चारा जल्दी खराब होने लगा। पानी करना एक बहुत बड़ा फरीज़ है, लेकिन इसको जो है महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी नहीं कर सकता। महंगाई ज़्यादा ये पड़ी है, इसलिए महंगाई की वजह से ना लोग गाग बड़े परेशान हैं, दुकानदार भी परेशान। ईद उल अजहा पर जानवरों की कुर्बानी के लिए औजार की तैयारियां। तेज धार छुरियां और दीगर औजार तैयार। महंगाई की वजह से दुकानों में सन्नाटे। मालिकान का हुक्मरानों से महंगाई में कमी का मुतालिबा। ईद उल अजहा की तैयारियां। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट का अफसरान और वर्कर्स की छुट्टियां मंसूख करने का ऐलान। ईद के आयाम में तमाम वर्कर्स फील्ड में मौजूद रहेंगे। मोहम्मद फारूक डोगर ने कहा कि सफाई ऑपरेशन की भरपूर मॉनिटरिंग की जाएगी। मानसून बारिशों से निपटने के लिए इंतजाम करने के हिदायत। ताजिर बरादरी के लिए बड़ी ईद पर बड़ा ऐलान। हुकूमत ने कारोबारी तबके के लिए जिंदगी कर दी आसान। चांद रात तक बाजारों में, रात 9 बजे तक कारोबार की पाबंदी खत्म। इतलाक आज रात से होगा। वजीर आला हमजा शहबाज ने ताजिरों के मुतालिबात तस्लीम कर लिए। कारोबारी हलके में खुशी की लहर दौड़ चुकी। हुकूमत के दावे बेकार। बिजली बहरान जनूबी पंजाब के वासियों को कर गया परेशान। मुल्तान, सखी सरवर और दुनियापुर समेत दीगर इलाकों में बिजली की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग। कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह से मुतासिर। निजाम जिंदगी मफलूज। 16 से 18 घंटे बिजली की बंदिश ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। सूबाई हल्का पीपी 217 मुल्तान, तैयारियों में तेजी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून 15 जुलाई को शहरी ओडिया पहुंचेंगी। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून
कैंपेन में हिस्सा लेंगी साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराइन। मरियम नवाज के दौरे मुल्तान के कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। उधर तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मुतहर्रिक। इमरान खान के पैगाम पर घर घर कैंपेन का सिलसिला जारी। कारकुनान कहते हैं अवाम बाशऊर हो चुके, वोट नजरिए पर देंगे। पोलियो इंतहाई खतरनाक बीमारी। जिला इंतजामिया रहीम यार खान की तैयारी। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद उजैर की खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं पोलियो इंसान की रीढ़ की हड्डी और दिमाग पर असरअंदाज होता है। 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। बहावलनगर में गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारों की तकरीबी हलफ बरदारी। मलिक ताज बतौरे सदर, नसीर अहमद सीनियर नाइट सदर, मोहम्मद इरफान जनरल सेक्रेटरी और मोहम्मद काशिफ ने बतौरे जॉइंट सेक्रेटरी ओहदों का हलफ उठाया। 9 मुंतखब सदर मलिक ताज ने कहा कि तमाम मेंबरान के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। पासपोर्ट के तआवुन से PBF की जानिब अहम इकदाम। पहला ऑल पाकिस्तान बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट 2022 इवेंट का इनेकाद गैरिजन स्पोर्ट्स क्लब बहावलपुर में बैडमिंटन की शानदार इफ्तिताही तकरीब। इवेंट में 164 मर्द और खवातीन खिलाड़ी शिरकत करेंगे। फाइनल जीतने वाले खिलाड़ियों को 1.5 मिलियन रुपए का सबसे बड़ा नकद इनाम दिया जाएगा। और मौसम ने ली अंगड़ाई। ठंडी हवाओं और बारिश ने गर्मी से जान छुड़ाई। जनूबी पंजाब भर से शहरियों ने फोर्ट मिनरो का रुख कर लिया। शहरी गहरे सुरमई बादलों और सर्द हवाओं से लुत्फानंदोज होने लगे। उधर फोर्ट मिनरो के सर्द मौसम में बलोची गीतों ने सयाहों का मजा दोबाला कर दिया। खेरोड़ पक्का और बिहाड़ी में बारिश से मौसम खुशगवार। मुरझाए चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा।